हेलो एंड वेलकम दोस्तों, रेलवे क्रिकेट्स के आज जो इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी राज्यों के राज्यपाल का जो लिस्ट है मैं आपके कहे अनुसार लेके आया हूँ। अक्टूबर तक अक्टूबर क्या पूरे महीने तक चलने वाली ये जो लिस्ट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कहे जाने वाली ये लिस्ट है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना चाहूँगा, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा। जितने भी राज्यपाल के, गवर्नर के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम हैं, ये आपको रट लेना है एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बार बार पूछ रहे हैं, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, कुछ बच्चों के कहे अनुसार मैंने सभी के राज्यपालों के नाम लेके आया हूँ, जितने भी राज्य हैं हमारे भारत में उसके सारे के सारे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है। तो आचार्य देवव्रत हैं हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम। गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है, तो ओम प्रकाश कोहली गुजरात के गवर्नर का नाम है। हरियाणा गवर्नर का क्या नाम हो जाएगा, तो ये सत्यदेव नारायण आर्य है हरियाणा के गवर्नर के नाम। ठीक है, झारखंड के गवर्नर का क्या नाम हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू, ये है झारखंड के गवर्नर का नाम। ठीक है, दिल्ली के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो अनिल बैजल हो जाएगा दिल्ली के गवर्नर का नाम। उत्तर प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो राम नाइक हैं उत्तर प्रदेश के गवर्नर के नाम। आंध्र प्रदेश के गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर एक ही हैं, जिन्होंने दोनों राज्यों की कार्यभार को संभाला है। इक्काडु श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिंहन, ये हैं आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर का नाम। ठीक है, अब मैं दूसरा बता देना चाहता हूँ, आपको देखना है सारे के सारे गवर्नर, सारे के सारे राज्यों को गवर्नर को याद कर लेना है। ठीक है, और अन्य देशों के भी राज्यपालों के नाम, राज्यपाल नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो होते नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये आपको देख लेना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर क्या नाम हो जाएगा, तो बी डी मिश्रा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम। गोवा गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो मृदुला सिन्हा हो जाएगा गोवा गवर्नर के नाम। बिहार के गवर्नर का नाम क्या है, तो लालजी टंडन हो जाएगा बिहार के गवर्नर का नाम। ठीक है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, तो केसरीनाथ त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी। और मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। और मैंने सारे शिफ्टों के भी पेपर बना के क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है, उसको भी आप देख लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसको आप आराम से कर सकते हो और अच्छे स्कोर कर सकते हो अपने रेलवे के एग्जाम्स में। रेलवे हो या यूपीएससी, एसएससी, जितने भी एग्जाम्स के होंगे सभी में ये सब की जो दरकार जो होती है ना, ज़रूरत बहुत इंपॉर्टेंट कि अच्छे तरीके से पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले सी टेट, ठीक है, यूपीएससी, एसएससी के, सीजीएल के एग्ज़ाम, सीएचएसएल के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको इसकी ज़रूरत बेहद ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिहार का मैंने बोल दिया गवर्नर है लालजी टंडन, पश्चिम बंगाल के गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है ना, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, बेबी रानी मौर्य, सिक्किम के गवर्नर का नाम हो जाएगा गंगा प्रसाद, त्रिपुरा के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, ठीक है ना, गवर्नर का नाम हो जाएगा कप्तान सिंह सोलंकी, ये हो जाएगा त्रिपुरा के गवर्नर का नाम। पंजाब के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये हो जाएगा पंजाब के गवर्नर का नाम। राजस्थान के गवर्नर का नाम क्या है, तो कल्याण सिंह। मैंने जो बताया है कि रेलवे के जितने भी शिफ्ट है ना, उसमें सारे के सारे शिफ्टों में एक ना एक गवर्नर का नाम पूछ रहा है, एक या दो गवर्नर का नाम पूछ रहा है, तो जितने भी भारत के गवर्नर है, भारत के अन्य राज्यों के गवर्नर हैं, उसको आप अच्छे से देख के जाएं, ताकि आपका क्लियरली आपको 2 मार्क्स तो मिले ही मिले, क्योंकि वो 2 मार्क्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना होता है, ठीक है, और आपको अच्छे स्कोर करने के लिए आपको कम से कम अच्छे मार्क्स भी लाने होते हैं, तो आपको मैं जितने भी कराऊंगा ना उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे और आपको क्लियर भी अच्छे से हो जाएगा। राजस्थान के गवर्नर का नाम कल्याण सिंह हो जाएगा। पुदुचेरी गवर्नर का नाम क्या है, तो किरण बेदी है पुदुचेरी के गवर्नर का नाम। मेघालय गवर्नर उनके नाम है तथागत राय। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक दूंगा 200 प्लस क्वेश्चंस के, उसमें क्या हो रहा है कि मैंने जितने भी क्वेश्चंस करा रखे हैं ना 17 सितंबर से लेके कुछ जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं रेलवे के,
उसमें मतलब क्या हो रहा है कि जो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो करंट अफेयर्स के हैं, जीके के, मैथ्स साइंस के हैं, वो उसमें अच्छे से कराए गए हैं, तो आपको उसको देख लेना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आएंगे ही आएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो जितने भी रोज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं, रोज़ के एग्ज़ाम्स में से 3 से 4 प्रश्न उसमें से पूछ रहा है, ठीक है? तो उसको आप देख लेना, बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। मेघालय के गवर्नर का नाम तथागत राय। नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा भाई? तो पद्म नाम बालकृष्ण आचार्य हो जाएगा आपके नागालैंड के गवर्नर का नाम। मणिपुर के गवर्नर का नाम क्या है? तो यह है आपका नजमा हेपतुल्ला हो जाएगा मणिपुर के गवर्नर का नाम, ठीक है? मिजोरम के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? मिजोरम के गवर्नर गवर्नर ये मिजोरम के जो गवर्नर है, और मणिपुर के गवर्नर और असम के गवर्नर, ये तीनों जो गवर्नर है ना, वो हर एग्जाम में पूछ रहा है, तो इसको आप तीनों को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ लीजिए, ठीक है? मणिपुर के गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, और मिजोरम के हो जाएंगे कुम्मनम राजशेखरन, ये हो जाएंगे मिजोरम के गवर्नर के नाम। केरल के गवर्नर का नाम क्या है? तो पी सतशिवम केरल के गवर्नर के नाम है। और कर्नाटक के गवर्नर के नाम क्या है? तो वजू भाई वाला, ठीक है ना? ये हो गया आपका कर्नाटक के गवर्नर का नाम। महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या? तो चेन्नामनेनी विद्यासागर राव। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको, चेन्नामनेनी, क्योंकि जो थोड़ा क्वेश्चन मतलब क्या होता है उसके जो क्रिटिकल होते हैं ना, उसको बार बार पूछने की आशंका ज़्यादा रहती है, ठीक है? मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है आनंदी बेन पटेल, ये है मध्य प्रदेश के गवर्नर का नाम। जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम हो जाएगा आपका सत्यपाल मलिक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछ रहा है बहुत सारे शिफ्टों में, इसको भी आप देख ले सकते हैं। असम के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा? तो जगदीश मुखी, ये हो जाएगा आपसे असम के गवर्नर गवर्नर के नाम। तमिलनाडु के गवर्नर हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है? तो इतने सारे के सारे राज्यों के जो हैं गवर्नर के नाम, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके देख लीजिए, ठीक है? रेलवे के जितने भी नए अपडेट आएंगे उसके लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसको शेयर करें, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।